गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द आनिनी। हम लोग आनिनी पहुंच चुके हैं। कल शाम हो गया था, इसीलिए आप लोग को आनिनी में क्या कहाँ था, कहाँ हूँ, कैसे होटल ढूंढा, किसको ढूंढा, तो वो सब आप लोग को दिखा नहीं सका। तो शाम हो गया था, अंधेरा हो गया था, अंधेरे का वजह से। तो हम अभी हूँ, हमारा एक मामा है, वो मामा यहाँ में नौकरी करता है, वो मतलब वाटर सप्लाई में। तो मामा के इस ये है मामा का क्वार्टर। मामा इधर है, ये है मेरा मामा। तो मामा अभी 10 साल ना, कितना साल रह रहे, साल से रह रहे हैं अभी? 15 साल से रह रहा है इधर में। 2007 में आया था ना, कितना, फाइव 2005 से आनिनी में रह रहे हो। ये आप कहाँ, क्या काम करते हैं आप? पीएचसी मतलब सरकारी सर्विस। वो सरकारी सर्विस कर रहा है। वो उस मामा को ढूंढा और मामा से फोन किया। उसके बाद मामा की ये क्वार्टर है, क्वार्टर में हम लोग दो रुक चुके हैं आज। तो आज आप लोग को मामा के साथ आनिनी में क्या है क्या नहीं है वो सब दिखाएंगे। तो ठीक है, हम लोग आज आनिनी एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो चलते हैं। वेलकम टू द आनिनी। ये है आनिनी का जो माउंटेन्स है, ये सब आनिनी का है। हम लोग माउंटेन के बीच रह रहे हैं अभी। हम लोग है माउंटेन के, वो दूर देख रहे हैं आप लोग, थोड़ा दूर देख रहे हैं। ये देखिए, थोड़ा जूम कर देते हैं। ये बर्फ देख रहे हैं आप लोग। ये इसमें तो हम लोग जा नहीं सकेंगे क्योंकि यहाँ को जाने के लिए रोड नहीं है। तो ये चारों तरफ माउंटेन्स है और बीच में आनिनी शहर आप देख रहे हैं। ये आनिनी का माउंटेन्स है। दीपू, कैसा लगा आपको आने से वहां से? लगा बढ़िया बढ़िया। तो डर तो लगता था? डर लगा लेकिन अभी इस बार तो उसी रास्ते से जाना होगा। तो आज भी घूमेंगे ऐसा पहाड़ी रास्ता में। तो हम पहले मेचुका भी गया है आनिनी, और अब क्या बोला, तवांग भी गया हूँ। तो हम 2-4 बार गया था, इसीलिए ऐसा रास्ते में गया है, इसीलिए हमको इतना डर नहीं लगता। इसको पहली बार ये आया है दीपू सोनवाल जी, तो मेरा दोस्त, इसीलिए उसने थोड़ा डरा हुआ है। और कभी कभी वो ऊपर वाला के ही नाम लिया था, हमने सुना है। तो वो होता है कभी कभी नया आदमी के लिए, जैसा बहुत डेंजरस रोड है। इसीलिए तो ठीक है, आज भी घूमेंगे और वही रास्ते से फिर जाएंगे। तो डरने का कोई बात नहीं है, डर के आगे जीत है। तो इसीलिए माउंटेन ड्यू है ही है, तो आप लोग भी माउंटेन ड्यू खाइए और डर के आगे जीत है। हम लोग अभी आनिनी में है और मामा का जो सरकारी जो क्वार्टर है वहां में बैठा हुआ हूँ, वहां में रुका हुआ हूँ। आज फिर आनिनी देखेंगे और आनिनी में क्या क्या है एक्सप्लोर करेंगे। गाइस, हम लोग अभी निकलने वाले हैं घूमने के लिए। तो हम लोग के साथ एक भैया भी है। भैया, आपका नाम क्या है? मेरा खड़का। खड़का, वो भैया इधर कहीं है? इधर कहीं है ना? नहीं, हम भी असम का है। असम का है ना? अच्छा, बट तो यही हुआ। अच्छा अच्छा। और भैया का बाइक ये है और मेरा बाइक उधर है। तो हम लोग जाएंगे कहाँ? डम्बिंग जाएंगे। और डम्बिंग में क्या क्या है हम लोग देखने के लिए कोशिश करेंगे। क्या है डम्बिंग में? डम्बिंग में बस्ती है क्या? बस्ती गाँव है। हाँ, वो सब देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे आनिनी को। पहला दिन है आज, तो हम लोग निकलने वाले हैं। अभी टाइम हुआ है ना, अभी करीब 9 बजने वाले हैं। तो चलिए हम लोग के साथ डम्बिंग जाएगा। तो भैया, डम्बिंग में क्या क्या है? वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है। अच्छा, आपका वहाँ सीएम लोग रुकता है, हर कोई माने दिबांग वैली का वहीं पे जाके देखता है, माने देखने का। ये डिस्ट्रिक्ट क्या है? दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, आज चलते हैं, देखते हैं। डम्बिंग जाएंगे अभी। ठीक है, चलिए डम्बिन चलते हैं। आज पहला दिन है एक्सप्लोर करने के लिए। तो डम्बिन एक अच्छी जगह है बोला है भैया ने, तो चलिए चलते हैं।
वे हम लोग यहाँ क्या करेंगे? ब्रेकफास्ट। अच्छा, यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे। ये है लिम्स रेस्टोरेंट अनिनी, देखा है लिम्स रेस्टोरेंट अनिनी, यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे हम लोग। तो हम लोग का ब्रेकफास्ट हो गया और पूरी था और सब्जी था। पूरी सब्जी खा के हम लोग फिर डम्बिन की तरफ जाएंगे। अभी तो चल रहे हैं डम्बिन की तरफ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. तो भैया हम लोग कहाँ पहुँचे अभी? अभी हम लोग माकुनी माकुनी विलेज। जो ये माकुनी विलेज है, तो ये पीछे देख रहे हैं हमारा, मेरा पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए, ये है ये से बेम्बो है, लेकिन ये यहाँ का नहीं है, ये चाइनीज बेम्बो है। और ये कैसे लाया है आदमी? ये जो पेट्रोलिंग में जाता है माने ना? हाँ हाँ, पेट्रोलिंग। हाँ, पेट्रोलिंग में जो जाता है वही लेके। पेट्रोलिंग में कहाँ जाता है? चाइना बॉर्डर। अच्छा अच्छा, चाइना बॉर्डर पेट्रोलिंग में जाने से वो मतलब जाके वो लोग कितना ले आया था? दो तीन ऐसे ले आया था, दो तीन ले आया था, लेकिन अभी इतना बड़ा हो गया ये बेम्बो, देखिए जंगल, बेम्बो का जंगल। तो पूरा ये चाइनीज बेम्बो है, तो मैंने भी पहली बार देखा है ऐसा। तो आप लोग भी देख लीजिए, हम दिखा देते हैं करीब से। ये चाइनीज बेम्बो है, डम्बिन। और डम्बिन में उधर देख रहे हैं आप लोग, वहाँ में बर्फ गिरा हुआ है डम्बिन ऊपर पहाड़ में, और पहाड़ के पीछे में चाइना बॉर्डर है ना, पहाड़ के पीछे में चाइना बॉर्डर है, वहाँ तो नहीं जा सकते हम लोग। तो यहाँ लास्ट गांव है ना ये अरुणाचल, मतलब अनिनी से कितना किलोमीटर है यहाँ में? 29-30 किलोमीटर होगा। और ये लास्ट गाँव है डम्बिन, उसके बाद और जा नहीं सकते, रोड भी नहीं है। और वहाँ में देख रहे हैं आप लोग उस पहाड़ में, पहाड़ के पीछे में चाइना बॉर्डर है। तो यही लास्ट विलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश अनिनी साइड में। तो ये भी दिबांग वैली पड़ता है ना? ये भी दिबांग वैली। अच्छा, अनिनी अलिनी ब्लॉक का ये लास्ट से, ये भी ये लास्ट है ना। कीवी का कहाँ वहाँ में था? तो गाइस हम लोग अभी एक कीवी का बगान में है, और कीवी का पेड़ यही है। कीवी पेड़ हमने भी पहली बार देखा है अपने, और अभी इसका सीजन नहीं चल रहा है, तो कीवी ऐसे करा जाता है। तो देखिए ये फेंसिंग लगाया हुआ है, इसमें कीवी लगता है। तो हाई प्रोटीन वाला ये जो फ्रूट है, उसका ही बगान है, वो पहाड़ के बहुत ऊपर है ये बगान। तो देख रहे हैं आप लोग,
यह है कीवी पेड़, और ये पूरा बागान देख रहे हैं आप लोग। अभी इसका सीजन नहीं है, लेकिन बारिश का सीजन में इसका फल लगता है, कीवी लगता है। तो हम भी पहली बार ये कीवी का जो पेड़ है ये देख रहा है। तो देखिए ऐसा ये कीवी पूरा बागान बहुत पहाड़ के ऊपर में कर रहा है। ये भी इडू मिसिमी लोग जो खेती करता है उसका ये भी एक खेती है। वो पहाड़िया इलाका में ये होता है, ठंड में होता है, तो बारिश के दिन ये पूरा भर जाता है कीवी लग के। तो गाइज हम लोग अभी दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट से 30 किलोमीटर दूर, आनिनी टाउन से 30 किलोमीटर दूर में, तो ये दाम्बिंग करके एक विलेज है, वहाँ में आ गए हैं। और आगे जा नहीं सकते क्योंकि आगे में वो देख रहे हैं दूर से, दूर में आप लोग चाइना बॉर्डर है, जो बर्फ़ वाला माउंटेन है उसका पीछे में चाइना बॉर्डर है। तो दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट का यही मतलब आनिनी से 30 किलोमीटर दूर यही लास्ट विलेज है। विलेज में इतना लोग भी नहीं रहते हैं क्योंकि एक विलेज में, भैया लोग बोला है कि एक विलेज में तो दो या तीन ऐसे ही घर रहता है। तो आगे देख रहे हैं आप लोग, यहाँ में खेती करता है, ये सब्जी खेती ये सब वो लोग खेती करता है, और यहाँ में भी इडू मिसिमी ट्राइब का लोग रहते हैं। तो एंजॉय किया आया। तो गाइज आज के वीडियो इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग खुश रहिए, सलामत रहिए और वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।